काउच सर्फिंग क्या होता है काउच सर्फिंग और इससे आपका ट्रेवल कैसे फ्री हो सकता है, आइए जानते हैं इस बारे में। नमस्कार के साथ स्वागत आप सब लोगों का हमारे ट्रेवल शो ऑल अबाउट द इंटरनेशनल रोड ट्रिप बाय द टर्बन ट्रेवलर पर एक बार फिर। और आज बात करेंगे हम काउच सर्फिंग की। ये काउच सर्फिंग क्या होता है और कैसे काउच सर्फिंग करके आप अपने ट्रैवल का कुछ हिस्सा फ्री कर सकते हैं। तो आज सारी बातें फ्री ट्रैवल से संबंधित हैं और काउच सर्फिंग जो है वो आपके रहने से संबंधित है। काउच सर्फिंग एक ट्रैवल कम्युनिटी है जिन्होंने सन 2004 में यानी कि आज से 17 साल पहले एक वेबसाइट बनाई थी couchsurfing.com की, और उसका मकसद था कि लाइक माइंडेड पीपल एक दूसरे के घर जाकर बिल्कुल फ्री में रह सके। जिन लोगों के घर में रहने के लिए कोई स्थान है, अक्सर विदेशों में लोगों के घर में ड्राइंग रूम के अंदर एक काउच होता है जो कि सोफा कम बेड भी इसको बोलते हैं, और जब लोगों के घर में कोई गेस्ट आता है और उनके पास गेस्ट रूम नहीं हो तो वो काउच पे ही उनको सुलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि काउच सर्फिंग में आपको हमेशा काउच पे ही सोना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों के घर में एक्स्ट्रा गेस्ट रूम भी होते हैं, एक्स्ट्रा बेड भी होते हैं, और ये लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी है। उसके लिए आपको उस वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होगा, और कई कंट्रीज में उसकी कुछ थोड़ी बहुत नॉमिनल फीस भी है, कोई $2 महीने के हैं या $15 साल के होते हैं, कई कंट्रीज में $60 भी साल के देने पड़ते हैं, डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। और इंडिया में आप इसको वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। और उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि वो वेबसाइट किस तरीके से काम करती है। वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले आपको अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ता है, अपनी फोटो डालनी पड़ती है, अपनी सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ती हैं कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, और अपने बारे में एक छोटा आपको राइटअप भी लिखना पड़ता है ताकि उसको पढ़ने वाला ये जान सके कि आप किस प्रकार के इंसान हैं, आप कैसे दिखते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आपके एड्रेसेस वगैरह, और अब वो सारा कुछ वेरीफाई होता है सेफ्टी के लिए, दोनों की, आपकी और उनकी सेफ्टी दोनों के लिए। और ये दो तरीके से काम करती है कि अगर मैं काउच सर्फिंग पे अपने आप को रजिस्टर्ड करा रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं दूसरे गेस्ट को अपने घर भी इन्वाइट कर सकता हूँ और उनके घर जाकर मैं भी रह सकता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि दूसरे लोग जो विदेश से इंडिया की यात्रा कर रहे हैं वो मेरे घर में आके रह सकते हैं, और मैं दूसरे लोगों के घर में जब मैं विदेश जाऊं तो मैं उनके घर में रह सकता हूं। तो ये वाइस वर्सा है, जब आपके घर में कोई आके रहता है तो आपके क्रेडेंशियल्स बढ़ते हैं, और जब आप अपनी वेबसाइट पे वो डालते हो और दूसरे लोग आपके घर के बारे में और आपके बारे में लिखते हैं तो इससे लोगों का विश्वास बढ़ता है और एक चेन बनती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो आदमी आपके घर रह रहा है आपको उसी के घर पे ठहरना है, आप किसी के भी घर पे जाके ठहर सकते हो जो कि काउच सर्फर हो। इस तरीके से आपके घर में भी कोई आके ठहर सकता है, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, आप उसमें लिख सकते हो कि इस किस्म के लोग आपके घर में इनवाइटेड हैं। इसी प्रकार से वो लोग भी लिखते हैं कि उनके घर में आके किस प्रकार के लोग ठहर सकते हैं। तो ये जब आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये सारी डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी, और वो सारा मेन्यू ड्रिवन है, आप उसको पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका प्रोफाइल इतने अच्छे तरीके से बना होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को ये लगे कि मुझे इस आदमी के घर में जाके रहना है या ये आदमी को मैं अपने घर में ठहरा सकता हूँ। दूसरी, आपकी जो फोटोग्राफ्स हैं आपके घर की और आपकी, वो सब साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि उससे भी एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। और ये सारी चीज़ें फ्री में हैं, आप भी उनको अपने घर में फ्री में ठहरा रहे हैं, और जब आप जाएंगे विदेश में तो वहाँ पर भी आप फ्री में ठहर सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है, काउच सर्फिंग के ऊपर अगर सपोज मुझे यहाँ से पेरिस जाना है तो मैं अपने वहाँ पर इंक्वायरी डालूंगा कि मैं फलानी फलानी तारीख को मैं पेरिस आ रहा हूँ और मैं इतने दिन ठहरूंगा और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं या मैं अकेला हूं या जो भी हैं और हम लोग इतने लोग हैं हम वहां ठहरेंगे, और वो पोस्ट आपको काउच सर्फिंग पे जाके डालनी पड़ती है। उसके बाद आपको उसका जवाब आएगा। अब ये जरूरी नहीं है कि जवाब आए है या ना आए, कभी कभी जवाब नहीं भी आता है, लेकिन मैंने ये देखा है कि अक्सर लोगों का जवाब आता है अगर आप अपने आप को ढंग से प्रेजेंट करते हैं। फिर जब आप वहां पर जाते हैं तो वहां पर एक अलग तरीके के चैलेंज होते हैं जो कि सेफ्टी से संबंधित है। काउच सर्फिंग कितनी सेफ है कितनी अनसेफ, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जहां तक सवाल काउच सर्फिंग का है, वो वेबसाइट आपको ये गारंटी नहीं करती कि ये सेफ कितनी है, वो उसके क्रेडेंशियल्स जरूर आपको बता सकती है, और अगर आपके रेफरल्स हैं, उस आदमी के रेफरल्स हैं, अगर आपको कोई ठहरने के लिए इजाजत दे रहा है आप उसके रेफरेंसेस चेक कर सकते हैं
कि वहाँ कौन कौन से लोग पहले ठहर के गए हैं, उन्होंने क्या कमेंट्स उनके बारे में लिखे हैं, क्या रिव्यूज हैं उनके, और इसी तरीके से आपके बारे में लोगों ने क्या कमेंट रखे हुए हैं ताकि वो दूसरे लोग उसको देख के समझ सकें। तो अगर आप यहाँ लोग आते हैं और दूसरे जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ पर भी लोग ठहरते हैं और आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ईमेल्स या व्हाट्सएप के द्वारा, तो काफ़ी हद तक ये सेफ होता है। और अनसेफ आपको यहाँ बैठे बैठे नहीं पता चल सकता, जिस वक्त आप वहाँ जाते हैं और आप उस घर में एंटर करते हैं तो वहाँ के माहौल से देख आपको ये मालूम लग जाता है कि वो सेफ है कि नहीं है, एक गट फीलिंग बंदे के दिमाग में आ जाती है। तो काफ़ी हद तक ये सेफ है, इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियात रखने की ज़रूरत ज़रूर है। अपने सामान का भी आपको ख्याल रखना है और जहाँ आप ठहरें वहाँ भी आपको देखना है कि आप पोलाइट हों उनके साथ और इंटरेक्टिव हों, उनसे बातचीत करें, वो आपसे कितनी बात करते हैं, आप उनसे कितनी बात करते हैं। अक्सर लोगों के एक्सपीरियंसेस अच्छे ही होते हैं कि जब लोग काउच सर्फिंग पे होते हैं और लोग उनके घर जाके ठहरते हैं, और काउच सर्फिंग के लिए लोग वही डालते हैं जो लाइक माइंडेड होते हैं, जो ट्रैवल पैशनेट होते हैं, वही लोगों को अपने घर पे ठहरने के लिए बुलाते हैं। और क्योंकि उनका मानना ये होता है कि जितना आप लोगों से मिलते हो जुलते हो उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती है और उतना आपका सर्कल और दायरा बढ़ता है। तो लब्बो लुबाब ये है कि काउच सर्फिंग एक ऐसा जरिया है जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, जिसके द्वारा आप कहीं पर जाकर रह सकते हो। काउच सर्फिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज पैसा बचाना तो है ही, क्योंकि आपके ट्रैवल का एक बहुत बड़ा चंक आपके रहने और खाने पे खर्च होता है, और अगर आपका रहना वहाँ फ्री हो जाए तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आप अपने ट्रैवल का फ्री कर सकते हैं। और इसका एक एडवांटेज और भी होता है कि जब विदेश में जाके आप किसी विदेशी के घर में रहते हैं तो आप उनका रहन सहन, उनका कल्चर, उनके बारे में और उनके खान पान के बारे में बहुत कुछ समझते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही एजुकेटिंग होता है। मैं भी जब सुकत गया था नीदरलैंड में, तो मुझे भी वहाँ पर एक मेरे मित्र बन गए थे, उनके घर में मैं 2 दिन के लिए रुकना था, उन्होंने मुझे 7 दिन तक नहीं जाने दिया। उसको मैं काउच सर्फिंग कहूँ या दोस्ती कहूँ, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैं और मेरी पूरी टीम, हम लोग 4 लोग उनके घर पे 1 हफ्ता ठहरे, वहीं पर रोज हमारा खाना पीना रहना सब कुछ फ्री था और उन्होंने हमें बहुत घुमाया फिराया। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त मित्र आपके जब आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं तो बनते हैं, और आपकी यादें एक के बाद एक बनती चली जाती हैं, और ख़ासतौर से जब आप किसी के घर पर रहते हैं तो वो आपके दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं, अगर वो यादें और वो तजुर्बे और वो एक्सपीरियंसेस अच्छे हों। इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट एक और भी है जिसको होम स्टे कहा जाता है। होम स्टे में आप किसी के घर जाकर रह सकते हैं, वहाँ पर आपका खाना पीना सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है, लेकिन वो अक्सर होम स्टे के लिए कुछ पैसे चार्ज करते हैं। कभी कभी कुछ लोग नहीं भी चार्ज करते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो होम स्टे होते हैं वो लोग पैसे चार्ज करते हैं, जिसमें आपका रहना पीना खाना सब कुछ इंक्लूड होता है, लेकिन वो सारा खर्चा एक नॉर्मल हॉस्टल या होटल या एयरबीएनबी से काफ़ी सस्ता होता है। तो अगर आपके पास बजट कम है और आपके पास काउच सर्फिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप होम स्टे लेना चाहें, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है ठहरने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम की होगी, जो कि काउच सर्फिंग यानी कि फ्री में स्टे के बारे में थी। और कल हम एक और नए सब्जेक्ट को लेके आपके साथ आएंगे, और अब बात करेंगे पैसों की यानी कि मनी, और वो होगा क्राउड फंडिंग, कि पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए। इससे पहले कि कल हम आपसे दोबारा मिलें, आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल YouTube का द टर्बन ट्रैवलर अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाले एपिसोड जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, जिसमें क्राउड फंडिंग, सपोर्टर्स, स्पॉन्सर्स, हाउ यू कैन मेक मनी वाइल ट्रैवलिंग, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड आने वाले हैं। और अगर आपने बेल आइकॉन दबाया होगा तो आपको सारे नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलेंगे और आप कोई भी एपिसोड मिस नहीं करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत, नमस्कार और धन्यवाद।